हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस फाइनली यहां पर Xiaomi ने ऑफिशियली पोको F1 के लिए MIUI 12 का स्टेबल अपडेट है उसको आज के दिन रोल्ड आउट कर दिया है। तो आज के वीडियो में गाइस हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मेरे पोको F1 पर अभी अपडेट आ चुका है और मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। तो सबसे पहले तो गाइस हम बात करते हैं इसके अपडेट की, क्या क्या आपको इसके अंदर मिल रहा है, उसके बाद इसको कैसे अपडेट करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कब तक आपको ये अपडेट मिल जाएगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर आपको MIUI 12 का वर्जन मिल रहा है 12.0.1। ये गाइस ग्लोबल स्टेबल है, यानी कि ग्लोबली सभी यूजर को ये मिल रहा है। अगर आप इंडिया से है तो भी आपको ये अपडेट मिलेगा और अगर आप दूसरे रीजन से है तो भी आपको ये अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात करते हैं इसके चेंजेस की, तो यहाँ पर इन लोगों ने चेंजेस भी मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके OTA अपडेट के साइज की, तो यहाँ पर आपको 1.9 GB इसका OTA अपडेट का साइज मिल रहा है और यहाँ पर इन लोगों ने दो सिस्टम के चेंजेस है उसको मेंशन किया हुआ है। अगर गाइस आप इंडिया से है तो आपको यहाँ पर कुछ ऐप और कुछ फीचर है वो अभी नए अपडेट के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ MIUI के ऐप है उसको ऑफिशियल बैन कर दिया है। तो यहाँ पर नए अपडेट के अंदर आपको मी वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, AI साउंड ट्रैक जैसे कुछ ऑप्शन और कुछ फीचर जो है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर बात करते हैं हम सिस्टम चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको एक बिल्कुल नया सिस्टम का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। अगस्त महीने का आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यही सब चेंजेस आपको इसके साथ मिलने वाला है। अभी गाइस मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको इसको अपडेट करना है। तो गाइस ये सभी यूजर को अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा, कुछ रैंडम यूजर और कुछ बीटा टेस्टर को ही ये अपडेट मिल रहा है। अगर आपने बीटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट किया था तो आप यहां पर सेटिंग में आके आपका MI अकाउंट है उसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको भी ये अपडेट 2 से 3 घंटों में मिल जाएगा। और गाइस नॉर्मली हम बात करें कि आपको पब्लिक में कैसे अपडेट, कब तक ये अपडेट मिल जाएगा, तो गाइस इसके लिए आपको 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। हर दिन आप अपडेटर ऐप चेक कर सकते हैं क्योंकि कभी भी ये अपडेट आपको मिल सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रही थी पोको F1 के बारे में। जैसे ही मैं इसको अपडेट कर लेता हूं उसके बाद इसका फुल रिव्यू बनाकर मैं आपके साथ इसी चैनल के द्वारा शेयर कर दूंगा। सो गाइस आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपके पास भी पोको F1 है और आपको ये अपडेट मिल चुका है तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वहां पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो में।